तो भाई कैसे हो आप? भाई सुबह के 9 बज चुके हैं, मैं आज जल्दी आ गया। भाई मैंने सोचा कि चला एक ब्लॉग शूट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कुछ सामान मंगाया था इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए और अपने फोन के लिए। क्या प्रोडक्ट मंगाया गाइस, ये तो खैर आपको पता लग जाएगी, पर मैं सोचा कि यार चलो तैयार होते हैं। तो भैया ये वॉच है, आपको दिखा दूंगा अभी। इस वॉच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या भाई साहब, हाथ में उठ रहा, देखो इतनी भारी वॉच यार। अपने भैया ये हल्के फुल्के से बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है तो हाथ में है ही नहीं। तो ये स्मार्ट वॉच है और ये एनालॉग वॉच है प्लस डिजिटल भी है। इसका सेल खराब होगा, पैसे नहीं थे मेरे पास, वही मंगाने वाला हूं। इन घड़ी का वेट देखते हैं, पहले देखते हैं इसका कितना वेट है। ओह ओनली 31 ग्राम। तो भैया अब आते हैं इस पर, अजीम सहन से 115 ग्राम, 115 ग्राम। कितना फर्क है, कितना फर्क है, फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइस यकीन मानिए बहुत ही मस्त चीज है। मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ और भाई मुझे नहीं पता कि पता नहीं कैसी वीडियो बननी है, फ्रेम सीधा है या नहीं है। पहले भैया इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जो गाइस मैंने अपने फोन के लिए मंगाया था। ये क्या लग गया इसमें, इसमें कुछ है भैया? ये ओहो कुछ टूटा हुआ लग रहा है यार। भैया पैकेट वैकेट बहुत बढ़िया है, देख सकते हो। और भैया यहाँ को खोलते हैं, ये और ये। अच्छा ओहो, मैं समझा भाई कुछ टूट गया थी, लेकिन गाइस ये कुछ टूटा नहीं है, ये भैया इस बॉक्स में से निकला है, देख सकते हो। त्यों, त्यों। जो बात है गाइस, ये मैंने मंगाया है आईफोन के लिए बैक कवर, काफी कलर में आता है। गाइस मैंने ब्लैक कलर मंगाया है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं ऑनलाइन को देख रहा था, सूत्रों ने एक मुझे ऑप्शन नहीं दिया, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं दिया, लेकिन अब बता रहे डिब्बे में कि भाई इतने कलर के हम देते हैं या बना रखे हैं हमने तो सारे यार। कम से कम वो तो बताते भाई, जब ब्लैक मेरे को मिल रहा था तो भाई मुझे मजबूरन ब्लैक मंगाना पड़ा, वरना भाई मैं ब्लू मंगाता। जैसे कि मेरा आईफोन 13 प्रो है ब्लू कलर का, या जो कार ये भी ब्लू कलर का है, तो मैं ब्लू कलर का मंगाता। तो भाई ये रहा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट, और कंपनी संपनी मजिएगा, लेकिन गाइस ये मुझे काफी कॉस्टली पड़ा है, जो बात है। तो भाई ये मैंने मंगाया है 699 रुपए का, यानी कि 700 रुपए का ये मिला है भाई मेरे को, 700 रुपए का है ना लगभग। देखते हैं खोल के क्या माल पानी है, 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 है। वैसे यार भाई साहब ये तो भाई ऐसा लग रहा फौज वोज के लिए मंगाया हो, मतलब मजबूत कवर है भाई, ये ना है ना, ये रहा बेहतरीन, ठीक है, तेरी कोई आवश्यकता नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। तो भैया अगर कुछ रिटर्न करना पड़ा तो आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ये रहा। वैसे मुझे उम्मीद अच्छा काम करना चाहिए। ओहो यहाँ पर दो स्टेप हैं इस तरीके से। तो भैया फिलहाल हमारे पास है 13 प्रो, कैसे हो ब्रो? तो भैया इसे हम यहाँ से हटाते हैं, व्लॉगिंग स्टाइल में आज अनबॉक्सिंग हो रही है, और ये काफ़ी मस्त सेट लग रहा है, जो बात है ना, मेरा मुंह देख सकते हो। और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने 8 प्रो से, ये राज खोल दिया, मेरे साथ ही चला जाता, मैंने सोचा कि यार बता दें क्या दिक्कत है ना, तो देखते हैं भाई कैसा आ रहा है, फिटिंग शिटिंग है ना, बनाते हैं ऐसे पजामा समाजामा, मेरे तो बड़ा टाइट है भाई, ये गलत बात भी, इतना टाइट भी कवर होना नहीं चाहिए। सूत्रों ने ऐसा दिया कि एक बार साला आदमी डाल ले कि निकाल ही ना सके, है ना, रिटर्न का ऑप्शन ही ना है कोई। खैर बताओ कैसा लग रहा है गाइस, सारा काला काला हो गया, मैं तो काला हो गया रे। यहाँ पे आप इसे ऐसे बंद कर सकते हो इन कैमरे को, तो पीछे का आपको चमकेगा बैकग्राउंड, क्योंकि समर भाई तूने इतना सारा कबाड़ा, अभी तो सफाई की थी फिर हो गया। देखिए ऐसा आप रख सकते हो, ये ना देखिए बहुत बढ़िया, ऐसे रख सकते हो, और भैया ऐसे भी रख सकते हो। यहाँ पे अटक जाता है ना, ज़िंदगी भी अटकी पड़ी है कुछ हमारी इसी तरीके से, लेकिन दो स्टेप में अटकी पड़ी, हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता ना। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, लेकिन अगर ये हट गया तो भट हमारा मोबाइल गिरेगा, लेकिन हम इसे छेड़ेंगे नहीं, है ना, किसी को छेड़ना ठीक नहीं है। ये भी ठीक लग रहा है, हाँ इसमें एक हल्का सा कटक के आवाज आती है, देखो देखो, तो भाई ये गिरेगा नहीं, तो थोड़ा सेफ लग रहा है मेरे को। यार कौन मूवी देखे, इसमें एक फ़ायदा और भी है, वैसे ऐसे भी रख सकते हैं मेरे हो, तो ये कवर बढ़िया है, चाहे 700 रुपये हमारे झंडू बाम हुए हो, लेकिन लग रहा है भाई ये सेफ्टी दे पाएगा हमारे मोबाइल को। और भैया बटन, हाँ हाँ बढ़िया भाई, ये जो अच्छा जो कंपनी का होता है ना, अच्छी ब्रांड होती है, यहाँ पर जो काफ़ी सॉफ्ट चलते हैं इसके स्विच जो बटन होते हैं, ये बड़ा चल रहा है। और ये भैया वॉल्यूम का, हाँ ये भी सही चल रहा है। और भाई साहब इसके बॉर्डर देखिए कितने ओपन निकल रहे हैं, देख सकते हो, मतलब भाई फुल सेफ्टी। बस ब्लैक का ये फायदा है कि भाई ये जल्दी खराब नहीं होगा, मतलब खराब भी होगा तो दिखेगा ही नहीं, है ना, मतलब इससे क्या खराब होगा, जैसे लग रहा है ना ये ऐसे रहेगा। और अब भाई इस कवर को देखिए, जो मैंने पहले मंगाया था, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था 300 रुपए का, और इसकी कंडीशन आप कैमरे पर नहीं देख सकते, है ना, जैसी कंडीशन फिलहाल इसकी हो रही है आप वैसे नहीं देख सकते, देखिए ये छूट रहा है, ये रहा कलर छूट गया, है ना, यहाँ देखिए ये बेकार हो गया, तो इसे भी रखूंगा, ये भी अच्छा, तो बस मैं पता लग जाती कि भाई 13 प्रो हमने ले रखा, लोगों को दिख जाता, इसमें नहीं दिखेगा, ये तो अच्छी बात है, हमें दिखावा करना भी नहीं किसी चीज़ को, है ना,
भाई आपने कभी देखा होगा इसमें कुछ 13 प्रो लेके इस तरह से फोटो खिंचवा रहा हूँ मिरर वाला, मैं लेता ही नहीं भाई। मैंने एक बार फोटो डाला था अपना, आपने गाइस देखा होगा कि काफी लोग जो फोटो खींचते हैं इस तरह से मिरर वाला ऐसे। यार मुझे शर्म आती है, किसी के मन में ये ना आए कि मैं दिखा रहा हूँ, मैं दिखावा नहीं करता यकीन मानिए। तो एक बार मैंने पोस्ट डाली थी अपने समर एक्सपो यूट्यूब चैनल पर, तो मैंने उस पर एडिट करके जियो का फोन लगा दिया था। तो इस फोटो गाइस मैंने खींचा तो 13 प्रो से ही था, लेकिन मैंने एडिट करके इसको वो जियो में लगा दिया, जिससे गाइस किसी को ये ना लगे कि मैं दिखावा कर रहा हूँ। मैं कभी किसी चीज का दिखावा नहीं करता, लेकिन मानिए जो चीज होती है वो दिख जाती है, तो दिखावा नहीं करना चाहिए किसी का। खैर इसका ये सबसे बड़ा फायदा आपको बताऊं तो भाई पॉकेट में से आराम से रख सकता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं दो मोबाइल हमेशा कैरी करता हूं, OnePlus 8 Pro और iPhone 13 Pro जो कि ये है, और मैं पॉकेट भी रखता हूं अपने जेब में, मेरा पर्स वॉलेट होता है। तो यार काफ़ी दिक्कत आती है, टेंस रहती है मोबाइल पर स्क्रैच ना पड़ जाए। अब देखिए कैमरे यहाँ पर स्क्रैच का खतरा रहता है, मोबाइल से वह टकरा है या फिर पर्स में जो पैसे होते हैं तो भाई वो इस पर लग जाए तो काफ़ी दिक्कत होती है। अब भाई मैं इसे उल्टा रख सकता हूँ इस तरीके से, अब पर्स इसको ऊपर रख दूंगा तो काफ़ी सेफ्टी रहेगी। थोड़ा सा मोटा बेसक हो गया ये है ना, तो इतना तो चलता है। वैसे आप जानते हो भाई ऑलरेडी थोड़ा मोटा था इसका जो बम्प है ना कैमरे का, काफ़ी निकला हुआ है ठीक है। अब ये थोड़ा सा सेफ रहेगा और स्केच भी काफ़ी मस्त है भाई, ऐसा हैवी बिल्कुल हैवी वाले कितने बाहर निकले हुए है ना। तो भाई सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं ऑनलाइन। तो भाई साहब अब आते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पर। ससुर कनाथी बहुत देर से बैठा है, काफी मजे ले लिए इसने, इसका नंबर तो आएगा जाएगा। और भैया कुछ माल पानी हो तो ये ठीक है, खोलते हैं कहाँ से खोले भाई। समझ गए छोटे, समझ गए बहुत समझदार है। कितने सारे हैं और ये बिल है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। तो भैया ये मेरे को पड़े हैं 437 रुपए के, ना दिखे तो मैं दिखा दूँ 437 ओनली ओनली। तो भैया इतने सारे आप इन्हें 1850 होल्ड पे कर सकते हो, मस्त तरीके से लग जाए, बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाते हैं, निकल जाए यार। तो भैया हर चीज परेशान करने पे तुली है। तो भाई साहब आते इतने सारे मैंने क्यों मंगाए, जिनके बताओ खाफी दिक्कत होगी तो मैं आपको ऐसी मुंह जबानी बता देता हूँ, भरोसा नहीं है कोई बात नहीं। यहाँ पे भाई है 200 पीस। तो आज मैं सोच रहा था आपको दिखा दूँ, कहना क्या चाहते हो ये मैंने मंगाए क्यों है, 4G एनर्जी ले ले। तो गाइस आप अच्छी तरह जानते हो कि भाई साहब जो इलेक्ट्रिक साइकिल है उसमें एक बैटरी लगती है, मतलब एक नहीं उसमें काफी सारी 1850 लैपटॉप की बैटरी लगती है। तो गाइस आपको पता है इलेक्ट्रिक साइकिल बना रहा हूँ उसको वर्क चला है, इसी बात नहीं काफी कमेंट आ रहे भैया बना रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एकदम नहीं बनाऊंगा, जैसे मैं समर एक्सपेरियंस काम करूंगा तो उसमें लग जाऊंगा है ना। तो भाई ये भी मतलब कंटिन्यू वीडियो उस पर मुझे डालनी होती है, ब्लॉग पर डालनी होती है, धीरे धीरे उसमें बनाता रहूंगा, जो भी दिक्कत आएगी वो मैं आपको बताते भी रहूंगा, जो मतलब वो भी आपको बताता रहूंगा। तो भैया इससे क्या होगा, जो सेल की सेल से दूरी होगी ना, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई मैं लेकर आया हूँ दो सेल, ये पिंक लिप्स ये कुछ इस तरीके से लग जाएंगे। मैं अनाड़ी ठहरा आदमी हूँ, पर आदमी मुसाफिर है, मुसाफिर नहीं हूँ। तो यहाँ पे हम किसी भी दो क्लिप यहाँ लगा लेंगे, अगर ये बिना परेशान करे लग जाए तो मेरे से हमारा हाथी का घंटा ला। चलो भाई छोड़ो साइड में जाओ, सर हाँ ठीक। तो भैया देखिए, अरे यार बड़ी दिक्कत है, ये ऐसे लगेगा भाई, लग जाए यार टूट बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि गाइस ये बहुत फिट है। चलो मैं इसमें दिखाता हूँ, खैर हम चिपका देंगे इसे, बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी नहीं है इनकी ससुरों की, इसलिए मैंने गाइस ज्यादा मंगाए थोड़े से। हाँ ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये आ जाएगा, मुझे लगा इनकी गाइस सफाई भी करनी पड़ेगी तब जाके फिट आएंगे। देखिए ये कुछ इस तरीके से फिट हो गए हैं। और भैया भाई तो बैटरी ऐसे आ रही है कि भाई बिल्कुल फिक्स। तो भाई ये इस तरीके से लग गई और ये कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएगी, ठीक है लग गई। आप देख सकते हो इसके बीच में एक गैप बन गया है, सब पर गाइस हम चार्जिंग कर रहे हैं, हम इसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल का हम चला रहे हैं, कोई बैटरी वीक है या उस पर ज्यादा लोड है या वो हीट होगी तो ये वाली इससे दूर है, जबकि गाइस हम बैटरी जब मिलाते हैं बनाते हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो भैया ये रही बैटरी। तो गाइस अभी तक आपने देखा इस एपिसोड में मैं आपको दिखा रहा था ये देखिए अलग अलग गैप है, इसमें गैप नहीं है। तो भाई कोई बैटरी हीट होगी उससे दूसरी बीट होगी तो उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है। मतलब काफी दिक्कत आती है हीट होने के बाद, किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक पार्ट्स का हीट होना ज्यादा ठीक नहीं है, एक लिमिट तक तो ठीक होना ठीक है, जैसे कि आदमी एक लिमिट तक गुस्सा होता है तो ठीक होता, ज्यादा गुस्सा होता है वो भी ठीक नहीं रहता, कंट्रोल उधर ठीक सकते ठीक बढ़िया। तो भाई इसलिए मैंने मंगाई है, और मैं कितना बड़ा बैटरी पैक बनाऊंगा ये तो खैर गाइस आपको पता लग ही जाएगी। तो भाई इस तरीके से जुड़ते चलेंगे आराम से, तो ये तो खैर एग्जांपल था। तो भाई साहब मैंने आपको काफी चीजें दिखा दी है जो आप इस ब्लॉग में देखना आए थे, आपके बातें कर लेता हूँ तो काफी अच्छा लगता है, दिल की भड़ास सी निकल जाती है। तो फ्रेंड्स इन्हें संभालते हैं, सारों को रखते हैं, ठीक है बाद में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, बिल्कुल पाप है, मतलब पाप मत करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पुण्य काम है, ये करो कुछ भी करके करो, आप मत करो तो पड़ोसी वाले से करवाओ, बटन दबाना है और फ्री है सब कुछ। पर ये सब पैसों का मंगाया मैंने, कमेंट करके जो बताएं ब्लॉग आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय। अब तो मैं शटर बंद करके देखता हूँ।